बांदा कलेक्टर परिसर में व्यापार अधिकार संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। व्यापार अधिकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज गुप्ता ने बताया कि इस तरह से हैदराबाद में बलात्कार के बाद जलाकर हत्या कर दी गई, ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के अपराधों में लगाम लग सके। गुप्ता आनंद, अच्छा जी बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी अधिकार संगठन, किस तरह का प्रदर्शन है आपका? ये जो हैदराबाद में बहन डॉक्टर प्रियंका जी के साथ हुआ है, जो पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है, उनको अगवा करके रेप करने के बाद उनको जला करके मार डाला गया, ये एक सुदृढ़ समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज हमारी बहन बेटियां बुरी तरह से डर व्याप्त है, बाहर निकलने में उनको परेशानी हो रही है और भी तमाम प्रकार की नाना प्रकार की हत्याएं हो रही हैं जिनमें हमारी बहनें शामिल हैं। अभी कल की घटना चित्रकूट में है, ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं, तो इनसे संबंधित मैं आदरणीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी से निवेदन के तौर पर ये एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इन लोगों को सख्त कार्रवाई हो और इनको फांसी की सजा मिले।